Hi guys, welcome to another vlog. आज है day 2. हम आर्जिल भाई बैठे हैं और हमारे कोच एकदम कोची पोजीशन में. हाँ, यू नीड अ फेवर फ्रॉम मी. वर्ड ब्रो, मैं वो सब काम नहीं करता भाई. अच्छा, टेल मी बता. माय फोन इज ग्रेट फॉर रिकॉर्डिंग या जो भी लेता है ना, कैन यू आल्सो शेयर इट विथ मी. आई एम नॉट गुड. मैं जो भी लेता हूँ सिर्फ 7 मिनट लेट था और मुझे कोच ने इतनी खतरनाक पनिशमेंट दी. मेरे को पहले बोला कि धूप में, पता है हीट वेव चल रही है, ऐसा वार्निंग है कि धूप में नहीं निकलना है. मैं ऊपर गया, मेरे से 100 पुशअप्स कराए, 100 बार, मतलब 1000 पुशअप्स. फिर बोला 4th फ्लोर, ये देखो क्या डिफेंस. और ना क्या मैं झूठा हूँ भाई. फिर मेरे को पता क्या बोलते हैं, 4th फ्लोर से नीचे कूद 2 बार. फिर मैं ऊपर से नीचे कूदा, फिर ऊपर गया, फिर 2 बार कूदा. भाई मैं अभी चल नहीं पा रहा हूँ भाई. मैं बाथरूम में था, मेरी नेवले से फाइट हो रही थी. अब मैं आया, ये लोग बोल रहे नेवला दिखा. ये कोई बात होती है? एक प्लेयर को तुम ऐसा बोलते हो? भाई मैं 17 साल का हूँ. कोच नेवला दिखाने नहीं बोलते, मैं 17 साल का हूँ. हाँ हाँ, कुछ भी क्या, कुछ भी. देखो क्या कर रहा है, तुम्हारे सर पे क्या कर रहा है. इसको नहीं मिलती पनिशमेंट फॉर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर. अरे तू चुप रहे यार, तू ब्लर है. मैं मालूम ही नहीं भाई, मेरे को कौन मुझे. अरे भाई मैं सच में एज भूल जाता हूँ. कोई मेरे को पूछते एज क्या, मैं भूल जाता हूँ भाई. 17. या भाई तुमको मजाक लग रहा है कोई? कल मैंने YouTube पे वीडियो देखी कि ऑस्ट्रेलिया में पहले कहीं किसी कोई और रहते थे, फिर उनको हटाया. वो नहीं बोल रहा मैं. उधर थोड़े ना वैसे लोग, मतलब इंडियन जैसे लोग रहते थे, मतलब व्हाइट लोग नहीं रहते थे, थोड़े काले लोग रहते थे. क्या हो गया? तो इससे बुरी बात थोड़ी है. मैं ऐसे बोल रहा हूँ, काले नहीं ना, मैं बस बोल रहा हूँ कि ऐसे रहते थे भाई. वो इंट्रूसिव थॉट्स है, वैसा मैं बोलूंगा नहीं कभी ऐसा पर्पसली. भाई ये मेरे को फंसाया जा रहा है. मैं कभी भी तुमको लगता है मैं तुमको एक कालू एक कलू ऐसा बोलूंगा? नहीं बोल सकता भाई. मैं वो सिर्फ इंट्रूसिवली बोलेगा, एक कालू एक कालू. अच्छा तू क्या बोल रहा था, गेको को बताइयो एक बार. येल्लो है भी नहीं पहले तो वो. तो भाई आज मैंने जितनी पनिशमेंट करी, कोच ने बोला कि आज मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, आज मैं मस्त पार्टी कर सकता हूँ दिन भर. तो अभी मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है और टॉप फ्लोर पे सिर्फ पार्टी बजने वाली है गाइस. आज कर सकता है पार्टी. हाँ, आपने बोला नहीं अभी. चल बेटा चल ऊपर चल. उससे मैंने कोच को नेवला बताया, कोच सिर्फ ये बोलते कि चल ऊपर मिल. ये क्या बात होती है भाई? मुझे नहीं यार, मैं ऐसा नहीं हूँ कोच. यार ये गलत बात है थोड़ी यार. तुम कह रहे हो यार. अच्छा मैं कह रहा था, ये मैंने ना बात, मैं नहाने गया तो मैंने ना छोटा ऐसा हल्का सा दरवाजा खोला और मैं ना आधा नंगा दिख रहा दरवाजे से. मैंने भाई को बोला आ जाओ भाई, भाई कैमरा लेके अंदर आ गए. इनसे पूछो नेवला कैप्चर हुआ इस कैमरे में. ये तब से ये कल से आना नहीं चाहते सेट पे. ये बोल रहे मैं नहीं कर रहा छोटी मार. तुम भाई हम लोग नीचे 1 घंटे से वेट कर रहे हैं. पीछे देखो कैमरा वाले भाई अभी फुल टाइम पीछे. निश्चय अभी तक लेट है, ठीक है. और पता नहीं क्या हो रहा है ऊपर, मेरे को पूरी परमिशन मिल चुकी है. मेरा ना पारा भारी हो रहा है क्योंकि मेरा हाथ उठने वाला है आज. देखो देखो सब भाग रहे हैं. यार किधर है निश्चय? सारे भागने लग जाते तुरंत. निश्चय भाई आपका हम नीचे वेट कर रहे हैं तब से. वो देखो मेरी डबल व्लॉगिंग चल रही है पीछे. देखो वो मेरे साथ आते हैं बाथरूम तक. तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया तुमसे? अरसलान ने 2 किल ज्यादा ले लिए तुम्हें, वो हो गया बीटी. अच्छा भाई इधर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो रखा है पूरा. व्हाट द हेल भाई, ये क्या एबिलिटी है भाई? तुम्हें पता है कोच से दूर रहा करो, कोच बहुत अजीब बातें करते हैं. आयुषो स्पीड का तुमने वो देखा नहीं बोला? हाँ. तो उसकी फोटो है उनके फोन में स्क्रीनशॉट. तो ऐसा होता है गेमर का, तभी तो तुमको बुला रहे कोचिंग के लिए इतना. चलो भाई नीचे, तुम गेम क्यों खेलने लग गए? कोच को कुछ बताना है. सही में वो देखो पीछे, वो देखो भाई भी आए पीछे. इन्होंने भी नेवला देखा पता है मेरे बाथरूम में जो था वो. वो कह रहे मार सूट मैं नहीं आ रहा कल से इधर. भाई मैं बहुत बदतमीज हो गया हूँ क्या? कोई नहीं भाई, हम निश्चय भाई के पास आ चुके हैं वापस से क्लाउड लेने. उनका मन भी नहीं है अभी आने का, पर मार शो में तो उनको भी रहना पड़ेगा. फुल ऑन व्लॉगिंग कंटेंट निकलेगा मेरा. अच्छा भाई अभी स्किन दिलाने वाले हो आप? मेरे को छोड़ के? मेरे को छोड़ के क्यों? तूने मेरे पहले के पैसे देने हैं. तुमको ना 5 बार मैंने पैसे दिए. जब भी रात को फोन करते थे कि भाई मेरे रिचार्ज खत्म हो गया है, मेरा रिचार्ज करो. मैं इनका रिचार्ज करवा रहा हूँ, मेरे को स्किन दिला नहीं रहे अब भाई. और मैंने 100 पुशअप्स मारे ऊपर. इनको पनिशमेंट नहीं दी, इनकी पनिशमेंट है कि
स्किन बाय कर दे सबको। कोई नहीं भाई, देखो मेरे को मेरा जस्टिस जल्दी मिलेगा, मैं इनका कार्ड चुरा लूंगा क्या। मार्जिल टीचर आए, घमासान डांट मचाई और अभी हमको गेम बंद करवा के जा रहे हैं। कोई इतना इविल कैसे हो सकता है भाई। मैं तो मुंबई सर्वर खेलता हूँ, भले ही मैं बुरा खेल रहा हूँ अच्छा खेल रहा हूँ, मैं सिर्फ गाली बजाऊंगा सामने वालों को, क्योंकि उसमें अलग मजा आता है भाई। अच्छा तो तुम किसी भी सर्वर में खेल लोगे। तो व्लॉग निकाल रहा हूँ मैं, देखो अभी हम लोग जा रहे हैं लेजर। बोला ही नहीं उसने, वो बोलेगा। ओके हेलो गाइस, सो अभी हम लोग रेडी होने वाले हैं। ये लोग को आइडिया नहीं है कि हम लोग आज किधर जाने वाले हैं। गाइस कोच हमें बना रहा है, हमें सब पता है, इन लोगों को पता है, बट आप लोगों को नहीं पता। ठीक है, हम लोग किधर जा रहे हैं? आप लोगों को पता रहेगा क्या ऊंचा हो रहा है इससे भाई? आराम से यार, तमीज से, मेरा ब्लॉग है, हाथ कभी भी उठा सकते हो। तो अभी हम लोगों को बोला है कि जो हमने व्हाइट कपड़े पहने हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लेजर टेक में शायद व्हाइट कपड़े ग्लो होते हैं। यू नो हु फॉलोज मी, आई चेक हो गया, रुक जाओ। डबल कंटेंट। हम लोग आ गए बाहर, एकदम बैड ऐसा शूट हुआ, सबको लगा कि वो मेन कैरेक्टर है, इनको पता नहीं मेन कैरेक्टर सिर्फ मैं हूँ। सबने ब्लैक की यूनिफॉर्म पहन रखी है आधा मैं अपने आप को डुबाऊंगा, आधा ये लोग डुबा देंगे मेरे को। अभी हम लोग जा रहे हैं, वो लेजर टेक का कुछ तो शूट है, वैसे आइडियली सरप्राइज था हमको, रिसेंटली पता चला, तभी हम लोगों को वेट करना है हमारे शूट के लिए। ओ इधर आओ वॉल के पीछे। भाई तुम्हारी बुद्धि मंद है क्या, थोड़ी समझती नहीं होगी। एक बार कर रहे हैं, खाने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि बिल्कुल ही बदतमीजों की तरह सुन नहीं रहे, आपस में बकचोदी करने लग जाते हैं। क्या होगा तू बेटा, क्या होगा तू स्वीट 16 ना 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 शिक शक शो शिक शक शो की है। मेरे को लगा उसके भी काम तो अमन को लग रहा है वही मेन कैरेक्टर है आज। इनका पीछे ना बटन नहीं खुल रहा, इसलिए नहीं लेके आता मैं इन लोगों को गाड़ियों में आज। ये देखो ये कहाँ बैठा है, ये कहाँ, पहली बार इसको मुंबई शहर घुमा रहा हूँ और ऐसी हरकतें हैं इसकी। अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, पहली बार बूट के हम छोड़ के जा रहे हैं, इतना अच्छा फील हो रहा है कि मस्त मुंबई की। अभी ये देखो क्रू वाले क्या बात, एसी ऑन कर तो उधर वो स्विच है ऐसे क्रू को पीछे छोड़ के आगे। अरे वो कोच को उधर बैठना था अपने प्लेयर्स के साथ। अरे कोच ब्रो इज वेरी टची ब्रो, ही वांट्स टू फील द राइड, सेंसुअल सेक्सुअल। भाई हैकर जब मेरे ब्लॉग देखेगा ना, पहले वो बुलाएगा, बोलना मिलने आई ओजी बूट का, मेरी तोड़ेगा पता है कोच। क्यों ब्लॉग में इतना बज रहा है ये अपने, तो बात नहीं ठीक है। अभी हम लोगों को 1.5-2 घंटे की जर्नी है बूट कैंप से, जहाँ पे भी किसी आर मॉल कहीं पे घाटकोपर के साइड, खोपाड़ी नहीं घाटकोपर। भाई तो हमें ना अभी क्रू से फोन आया कि गाड़ी रोक दो, तुमने गाड़ी रुकवा दी। वो कह रहे हम कह रहे नहीं रोकेंगे, उन्होंने बोला खाना है। भाई हमने बोला हम सड़क में लेट जाएंगे खाने के लिए, तो अभी हम खाने का इंतजार कर रहे हैं। बोला भाई हाँ ठीक है मैं ही हूँ, तू नहीं लेटते, मैं अकेले लेट जाता भाई। एक सेकंड क्या खाना, वो ना पूछते भाई, खाना सुना हाँ कर दिया, खाना या खाना इधर रखेंगे ताकि बाद में जाके खाए। नहीं अभी खा लेंगे, वो कैसे भी रखे हम तो खा लेंगे भाई, तू देख ले तेरा लेट नहीं होगी ना, दाल हाथ में पी लूंगा मैं, इतनी भूख पे हूँ इस वक्त। वही भाई कुछ नहीं मिलेगा तो भाई इसके इधर में छाती पे लगा दूंगा, मेरी छाती से तेरे को दाल चाटनी है, मैं थोड़ी। तो हम लोगों को ये मॉल में बुलाया, RCT मॉल में शूट के लिए, पर हम लोग मॉल में ना जल्दी पहुंच गए, हमको कह रहे हैं बाहर आओ हमको शूट करना है, फिर सिक्योरिटी चेक कराए, अब हम वापस से बाहर जा रहे हैं। अभी हमको पता चल रहा है हम एक अलग गेट से आए थे, क्योंकि हमने कोच पे ज्यादा विश्वास कर लिया। कोच की गलती नहीं है भाई, सब जगह पे मेरे पे बिल धकेल देता है, क्या सीन है भाई छोड़े, और दूर से दिख जाते कोच, पता है आपको बैटमैन जैसा साइन आता ना ऊपर, वैसा लाइट से सीधा बाउंस, हमने देखा अरे फक कोच है नीचे, उसके ऊपर ढकेलना है सबने, क्या ये तो इनका तो वो है ना भाई, दे आर पेड टू प्ले ब्रो, एग्जैक्टली We are playing to get paid right now. Exactly. देखो ये क्या करते हैं ये लोग ऑफ कैमरा, मेरे को नंगा करना चाह रहे हैं। कोच का भाई मेरे को पता ही है, शक है भाई कुछ, कोच का कुछ तो मैटर लगता है मुझे भाई। सो हैकर का सर क्या चमके भाई, तू हैकर को मार रहा है, लेजर चमक के वापस किसी को लग गई। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, पर आई थिंक मैं अंदर का शूट नहीं कर पाऊंगा, काफी फन होगा, मैंने कभी खेला नहीं है लेजर टैक, पर ऐसे देख के तो लग रहा है फन होगा। एक बार ही अगर मैं गियर पहन लूंगा, मेरे पास फोन रहेगा तो मैं ब्लॉक करके तुम लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। तो गियर डब हो चुके हैं देखो सबको, नेचुरल। अरे यार भाई आधा टाइम तो तेरी चीजें कट करने में लग जाएगी, ये हमारा टारगेट है, इसमें लेजर निकलेगी, हम लोगों को पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, देख लो जीतना मैंने ही है, ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए इसमें ना, ये सारे चलन खोर लो, वैलो में भी झूलते हैं बेटे, वैलो में बजलोगे तुम बस। भाई ये लियो मेरा नेवला, देख मेरा नेवला, आजा नीचे का लड़का, मेरा नेवला तेरे नेवले से लगा। अरे भाई कोच कोच सुबह से बोल रहे थे ना आप, तू मेरी टीम में, मेरे को नहीं रहना तेरी टीम में भाई, ब्लू हूँ तू, लल्ले लल्ले
इधर मारेगा इधर आ मेरी ये गल ले अब तू जरा। ब्लू टीम हम लोगों ने इतने आराम से हराया ना रेड टीम को, मतलब हमें कोशिश भी नहीं करनी पड़ी एट सम पॉइंट। भाई टीम टीम के लिए खेलना इंपॉर्टेंट होता है। देख क्या 8000 का फर्क है। पता है 5 मिनट तक हमें इनका एनिमी बेस पता ही नहीं था तो भी नहीं जीत पाए ये लोग। मतलब चैंपियन बिना बॉटम ब्रैक करे कैसा लग रहा है चैंपियन बनना? तुम लोगों को सबसे कम किल्स लिए, मौका दिया तुम पोकट की विनती। तू तो लकी है कि तुम्हारी टीम में, पता है हमारे टॉप फ्रैगर ठप्पू जी आपने इतने खतरनाक शूटिंग्स कैसे लिए एक जगह में रह के। एक्चुअल वीडियो देख लेना, सबसे ज्यादा भाग कोई बात नहीं है, पूरी टीम के कलेक्टिव एफर्ट से ये जीत के लिए। पर मजा आ गया हमको, जहाँ मैंने हैकर कोच को देखा वहाँ हैकर कोच वाइब्रेशन हुई। नीचे ना मेरे कैमरा के अच्छा। जो मेरी बारी आई तो अच्छा, कैमरा को मार दिया। मेरे हाथ की है थोड़ी सी, पर साइडली आपके ऊपर कभी नहीं तुम्हें पता है जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने गाड़ी रुकवाई थी कि खाना आने वाला है क्रू वालों का, और मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि हम लोग रोड पे लेटने को रेडी हो गए थे। पता है इन्होंने क्या किया? दिन में ना जो सब्जी बनी थी ना आलू की, हमने स्किप मारी थी, उसी को रोटी में रोल करके दे दी, इतनी बीटी हुई ना। अभी ये लोग हमको ट्रीट दे रहे बर्गर्स लाके, पर वो वेज है, पर अभी काम चला लेंगे, कुछ तो मिल रहा है। ये देखो भाई, भाई की आंखें इतनी खराब हो चुकी है, ब्लर मोड लगा दिया उसने। आज के शूट में मजा बहुत आया, पर हम लोग थके कुछ ज्यादा ही। अभी ऐसा लग रहा है कि जाके सो जाएंगे, पर नहीं थोड़ा बहुत वैलोरेंट खेलना पड़ेगा। आ बहन की कांटा, ये देखो ये ओजी की ट्रॉफीज, वो छू सकते हैं क्या? ओए बहन इनसे उठा मत भाई, औकात की बाहर की चीजें नहीं छूते। जल्दी से जाके पहली चीज मेरे को नहाना है, फिर मैं देखूंगा कि मेरे पे उतनी हैसियत है कि मैं उठ के वैलो खेल सकता हूँ। आज वैसे निश्चय भी बूट कैंप में रुक रहा है, पर मैं प्रॉब्ली ब्लॉग अभी एंड कर दूंगा क्योंकि मैं भी बहुत थक चुका हूं। बाकी मैं नया ब्लॉग कल शुरू करूंगा, डेली ब्लॉग आगे डेली। ओह माय गॉड यार, सॉरी विन डीजल। एक्चुअली ना मार्च भाई मेरे को BenQ का मॉनिटर लग चुका है। वाओ फील्स अनरियल। ऐसे डीजी को मैंने सिखा दिया थोड़ी बहुत चीजें, अभी अच्छा प्लेयर बन चुका है। व्हाई आर यू डाउन बैड ब्रो, व्हाट मेड यू स्विच गेम्स? अभी हम लोग रिएक्शन टेस्ट का ना वो ले रहे थे, वो मेरे पास फुटेज नहीं है, पर मैं चुरा लूंगा इनसे। रिकॉर्ड कर रहे ना यहाँ पे, इनकी फुटेज ढाप के तुम्हें दिखाऊंगा। रिएक्शन टेस्ट हो रहा था भाई, उसमें मैं फोर्थ आया और मैं सबसे ज्यादा बज रहा था। बज तो मैं ऐसा बजता हूँ कि भाई मैं ही हूँ दुनिया में, फिर ना जब फचड़ जाती है मेरी पूरी। देखो भाई अभी बज रहे हैं रात के 4 बज रहे हैं, हम लोग सारे बैठे हैं, आज प्रैक्टिसिंग चालू है। आज हमारे साथ मेहमान भी आए हैं हमारे बूट कैंप में रात को। अभी इनको 1 घंटा बैठ के मैंने सिखाया है कि पीक कैसे किया जाता है, तब से देखो इसका गेम प्ले बेटर हो गया। 3 गेम हार गया लाइन में इसके सिखाने के बाद। ब्रो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो तुम पहले 3 हारोगे तभी तो मैं जीतोगे, यही तो लेसन मैं सबको देना चाहता हूँ कि पहले लूजर बनो। मेरा लाइन कॉपी करके, कौन सा मेरा ये वाला है जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल। मेरे पास ना टी शर्ट थी जब मैं 600 में जा रहा था फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन से, झूठ बोलता है तो से नहीं जा रहा था। तो इनको हम प्रोफेशनल गेमर नहीं बोलते, प्रोफेशनल यापर बोलते हैं। सिखाओ अपना, वाह इसको ऐसे नहीं खेलते, ऐसे खेला जाता है, ये नई टेक्नोलॉजी है भाई। इतनी इंप्रूवमेंट करके भी ना मेरे लेवल पे नहीं आया जाता, कहीं तुम सोच रहे हो दिन रात खेल के पहुंच जाओगे। ये भी मतलब पहाड़ी है मेरी तरह, ये भी मतलब उधर के साइड से आता है पौड़ी गढ़वाल के। जब से इसने ये बात बोली है ना मैंने इससे बात करना कम कर दिया, कि मैं सोच रहा हूँ ऐसे भी आते हैं भाई। भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बज रहे हैं, मेरी घड़ी का है 7:15 हो चुके हैं। निश्चय और अर्सी भाई की चल रही है अभी भी प्रैक्टिस। हम लोग भी एक्चुअली अभी तक बैलो खेल रहे थे, आज हम लोग ने ज्यादा ग्राइंड करी क्योंकि हमारा लेट नाइट शूट था। तो हमको बोला हमारे डायरेक्टर ने कि कल तुम आराम से उठो, पर हम लोग इतना टाइम पास किया एक्चुअली 2-3 घंटा। फिर हम लोग ऐसी बातें कर रहे, वो होता ना 4 लोग बैठ के साथ में बातें चलती गई 2-3 घंटा। फिर हम लोगों ने सोचा यार अभी सोने जा रहे हैं, थोड़ी बेशर्मी सी हो रही थी, थोड़ा बहुत हम लोगों ने बैलो खेल लिया 2 घंटे, ऐसा ग्राइंड किया, एम ट्रेन वगैरह किया। इनकेस तुम लोगों को पता नहीं ना कि शो का फॉर्मेट क्या, तो शो का फॉर्मेट ऐसा है कि 40 दिन मिल रखे हैं हम चारों लोग, हम 5 लोगों को, और हमको ग्राइंड करके इन 40 दिनों में एक्चुअल प्रो जाना है। हमारी टीम में मार्जिल है जो कि ऑलरेडी प्रो रह चुका है और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, प्लस जो अमन है वो भी प्रोफेशनली खेल चुका है। 2 लोग है, बाकी हम 3 है, जिसमें से मैं इमोर्टल रैंक, मतलब मैं थोड़ा बहुत रैंक खेल लेता हूँ। निश्चय और अर्शवन भाई को ज्यादा मेहनत की जरूरत है क्योंकि उनके लिए बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस है, एक नया गेम है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारा कोच भी हमको बहुत कुछ बताते रहता है। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा मेहनत लगी, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। तुम लोग छोटा छोटा क्लिप्स देख रहे हो ब्लॉग में, जब एपिसोड्स में भी तुम लोग जितना देख रहे हो, भाई हम लोग 12 घंटे बस ग्राइंड कर रहे हैं। वी आर
ट्राइंग टू गेट बेटर बट ओवरऑल फन एक्सपीरियंस है। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मैं जाके सो जाऊंगा और फिर उठ के नया ब्लॉग चालू करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर तुम लोगों को पसंद आया मेक श्योर यू गाइस लाइक सब्सक्राइब। अभी तक तो रेगुलर ब्लॉग्स और वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स होती रहेंगी यूट्यूब पे। बाय बाय।